which I took of the clouds running here, because you can see how the black clouds came and how it's, then at the same time it started raining. If I show you here, it's raining heavily. See, all the dark clouds are up there in the sky. That is why it's cloudy and it's raining. अभी मैं तैयार हुआ था मार्केट जाने के लिए बॉर्डर. लेट्स सी अभी और कितना देर बारिश चलती है. सो हेलो एवरीवन, और हम अभी निकल चुके हैं घर से. और ये देखिए टॉमी, जैसे ही मैं बाहर निकला यहाँ से देख रहा है टॉमी. तो चलो ये चलते हैं, अभी आपको बहुत ही अच्छे व्यूज दिखाई देंगे क्योंकि बारिश का मौसम है. और देखिए बारिश की वजह से सारा की सारा का सारा व्यू जो है बहुत ही अच्छा हो गया है. और चलते हैं, अभी मिलता हूँ आपको ऊपर जाके सड़क पे. सो हेलो एवरीवन, अभी मैं पहुँच गया हूँ सड़क के ऊपर. और अभी मैं हूँ सड़क में ही, बिल्कुल जा रहा हूँ. अभी आप देख ही सकते हैं ये सड़क है, बिल्कुल जंगल में से होके गुजरती है. ये देखिए, और ये हमारी स्कूटी. तो चलिए फिर चलते हैं, आपको बहुत ही अच्छा आज को एक मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लेट्स गो देयर. और ये गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पे एक शेर की गुफा है. लेकिन कल और परसों हमारे गांव में सुनने में आया है कि सच में यहाँ पे एक शेर और शेर के दो बच्चे दिखाई दिए हैं. क्योंकि रात को यहाँ पे लेबर और बाकी काम करने वाले आते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात को जब वो आ रहे थे तो यहाँ पे कहीं पर इनको, जैसे ही वो नीचे उतरने लगे तो इनको शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी. और वो जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी और ये सभी भाग निकले और अपने जान से जान. लेकिन जैसे कि मैंने अंदाज़ा लगाया था, यहाँ पे शेर ऐसे जंगल में शेर होना तो लाजमी है. क्योंकि देखिए, आप देख ही सकते हैं कि ये कितना घना जंगल है. यहाँ पे शेर और चीता और पता नहीं कैसे कैसे जानवर होना तो लाजमी है. और अभी मैं ऐसे मौसम में अकेला ही जा रहा हूँ इधर, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है इस रोड पे. तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं पे कोई शेर या कोई चीता अटैक ना कर दे, क्योंकि इस वक्त मैं अभी अकेला हूँ इस रोड पे. तो आप देख ही सकते हैं मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला है, तो लोग आज के दिन नहीं निकलते हैं ज़्यादातर. तो चलिए हम जल्दी से इसको, जंगल वाले पोर्शन को जल्दी से कवर अप करते हैं और आपको मिलते हैं आगे सिटी पास से जाकर. मैंने दूर ही अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है क्योंकि ये बेड़ों में से निकलना बहुत ही मुश्किल है. ये बेड़ें खड़ी हो गई, देखिए चलिए अब हम चलते हैं दोबारा फिर से अपने जर्नी पे. ये है देखिए, इस गाड़ी में पीछे भी एक बकरी है और ये हम जा रहे हैं. ये देखिए, इस गाड़ी में भी पीछे एक बकरी है. सो हमने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं और हम जा रहे हैं थोड़ी सी मार्केट में थोड़ा सा काम करने. तो लेट्स गो गाइस, आ गई है हमारी बस और इधर है हमारा ठेका जहाँ पे दारू मिलती है. वाह मोदी जी, वाह वाह. ये है हमारा ट्रक चलता हुआ, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया. एक है पानी, हाँ. पानी लाइफ प्रेस तो गाइस, अभी मैं कपड़े अपने कटवा के, पैंटें थोड़ी सी नीचे से कटवा के इधर आ गया हूँ. ये भी लंच है और सामने देखिए, अभी मार्केट से इधर आ गया हूँ. ये है लंच की प्राइमरी हेल्थ केयर डिस्पेंसरी, हेल्थ केयर सेंटर. और इधर है स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल. और इसके पीछे है साईं जी का मंदिर जहाँ पे बहुत ही फेमस है, वहाँ पे
कीर्तन वगैरह किया जाता है। और यह डिस्पेंसरी आज मैंने देखी, क्योंकि पहले मैंने कभी देखी नहीं डिस्पेंसरी। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई इधर हमारे अपने स्कूटर पार्क करवाने के लिए है और ये देखिए तो यहाँ पे स्कूटी को साबुन भी लग चुका है। तो अभी हमारी स्कूटी हो गई है साफ। सो फाइनली हम अपनी स्कूटी को साफ करवा के आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे अपनी लोकेशन पे। ये देखिए अभी साफ, बिल्कुल साफ हो गई है। और मैं यहाँ पे रुका क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा है, तो शायद यहाँ पे थंबनेल अच्छा आएगा। अगर आप में से कोई रानीताल साइड से इधर मजरू टेम्पल में घूमने के लिए आना चाहता है, तो ये नोट कीजिए कि लंच से आप जब इधर को आएंगे तो इधर से ये वाला मोड़ है जो आपको मुड़ना है, क्योंकि ये सीधा रास्ता चला जाता है नजरों का। तो ये है, दिस इज द लेफ्ट टर्न यू हैव टू टेक। आई होप यहाँ पे पुलिस वाले नहीं है, नहीं तो अभी चलान हो जाता। और ये है पॉन्ड जिसमें मछलियाँ होती हैं, तो आप इसका दे सकते हैं अंदाजा। और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम मजरू टेम्पल। तो अभी हम पहुँच गए हैं मजरू टेम्पल, और ये है बाहर से व्यू। बाहर से इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, तो अंदर से देख लीजिए कैसा होगा। और इसकी यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे लग गए हैं लंच से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। और बारिश का टाइम है तो कीचड़ कीचड़ था, इसलिए मैं और भी धीरे आया, और इसलिए मुझे 20 मिनट लग गए, नहीं तो 10 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे पार्क कर दिया है मैंने स्कूटी। सो यहाँ से मिलेगी आपको टिकट, और यहाँ से आपको चढ़ जाना है ऊपर। आते हुए आपको दिखाई देगा ये साइड व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे गार्ड जी बैठे हैं सामने। एंड द बोर्ड सेज इट्स कम्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिमला, एंड द सेम थिंग इन हिंदी। And this is the way you have to get the tickets. यहाँ से टिकट मिल जाएगी, सो यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी हमें। सो मैंने यहाँ से टिकट ले ली है, और लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे आपको टिकट लेने के बाद चेक भी करवानी है, और चेक करवाते ही आप अंदर पहुंच जाएंगे।